इन्होंने ये रजाकार किए स्मगल, स्मगल किए क्योंकि ये हंगामा, इनके पास असल में इशू क्या है, स्मगल किए क्योंकि हंगामा आ रही चाहते थे, असल में इशू उनके पास क्या है, इनके पास 172 का फिगर पूरा नहीं है, कभी था भी नहीं, ये सिर्फ तमाशा लगा के बैठे रहे और तमाशा लगा के इन्होंने ये लगाया कि जनाब हमारे को लोगों को अगवा कर लेंगे इसलिए हमने रजाकार जो है वो सिक्योरिटी के लिए भेजे, वो अकल की कोई बात करे, अगर आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एमएनए है, एमपीए है, पूरी कौम सिद्ध की सुन रही है आपके, सबको पता है, यहाँ तो एडवाइजरों के पास भी पुलिस वाले होते हैं, तो वो अगर किसी को कोई थ्रेट है तो वो एक सीधा सीधा खत लिखे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि जी हमें थ्रेट है, एक मिनट में आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिलती है, चाहे आप ऑपोजिशन के हो चाहे आप ट्रेजरी बेंचेस के हो। अब वहाँ खवातीन फैमिलीज, हमारी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस वहाँ अपने अंदर ये गुंडे भेजती है, रजाकार पता नहीं कौन अंसारुल इस्लाम बना के फोर्स अपने, और आप चाहते क्या थे, आप तमाशा चाहते थे, आप चाहते थे कि कोई गड़बड़ हो। कभी भी स्टेट, हमने 126 दिन का धरना दिया था डी चौक पे, भैया 126 दिन के धरने में कभी किसी ने पार्लियामेंट लॉजिस की तरफ किया, हमें भी पता था कि वहां पे हमारे ऑपोजिशन, हम ऑपोजिशन में थे, हमें पता था ट्रेजरी, हमें पता था खवातीन मेंबरान है, देखिए कोई घर की घरों में घुस गए ये लोगों के सामने, हमारे एमएलए खवातीन बेचारी परेशान के, ये गुंडे कौन आ गए, किस तरह स्टेट को ब्लैकमेल करेंगे, पॉकेट गवर्नमेंट, ये स्टेट को तो नहीं ब्लैकमेल कर सकते, यहाँ तो लेकिन फिर ये क्या इन्होंने कोई जुर्म किया था अंदर जाके, कोई इन्होंने कोई वायोलेशन किया? बात ये नहीं है, बात ये है कि जो अंदर ऐसे 150-200 आदमी लेके फोर्स आके कर क्या रहे थे आपकी, वो कह रहे थे हमारे एमएनएस को अगवा ना कर लिया जाए, हम हिफाजत के लिए आए, किसको कौन अगवा करेगा एमएनएस को, आप वो कह रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं भाई लोगों को फोन आते हैं, लोगों को रस्तों से रोक लिया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाता, ये सारी टैक्टिक्स करती हैं, ये सारा झूठ के ऊपर मबनी एक ड्रामा उन्होंने रचाया, एक ही वजह से क्यों रचाया ड्रामा उन्होंने, क्योंकि उसके पास नंबर पूरे नहीं है, वो हालात खराब करना चाहते हैं, वो हालात खराब हम नहीं होने देंगे, चलो।